और हमने ये अवार्ड 17 लोगों को दे रहे हैं जो सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, जो एनजीओस में काम कर रहे हैं और उनका एक अपना उनका एक आइडेंटिटी है सोसाइटी में, जो अपने अपने हैसियत में लोगों के लिए के डेवलपमेंट के लिए भलाई के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो मैं आपको उनका एक लिस्ट भी आपको मैं बताना चाहूँगी जो अवार्डिंग है। पहले सबसे पहले जनरल सरदार जोगिंदर जसवंत सिंह, ही इज़ द एक्स आर्मी चीफ एंड एक फॉर्मर गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एंड सरदार कुलदार सिंह जी साधवा, ही इज़ द ऑनरेबल स्पीकर ऑफ पंजाब। और ये हमारी खुशनसीबी है कि सरदार कुलदार सिंह जी ये हमारे एलुमनस हैं गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज के, उन्होंने हमारे कॉलेज से ही इंजीनियरिंग की है और 97 में ये पास आउट हुए हैं, तो उन्हें हम एज अ प्रोमिनेंट एलुमनस ऑफ JADC करके उनको ये हम अवार्ड दे रहे हैं। और उनके साथ साथ श्री बसवराज पाटिल सेलम, ये प्रेसिडेंट कल्याण कर्नाटका ह्यूमन रिसोर्स एग्रीकल्चर कल्चरल सोसाइटी कलबुर्गी और फॉर्मर मेंबर MP रह चुके हैं, तो इनको भी हम अवार्ड दे रहे हैं। साथ साथ में सतगुरु श्री शिव कुमार महास्वामी जी जो प्रेसिडेंट हैं सिद्धारूप मठ के विदर्भ कर्नाटका, ये भी आ रहे हैं अवार्ड लेने। और इनके साथ साथ संत बाबा बलविंदर सिंह जी कार सेवा वाले, ये गुरुद्वारा लंगर साहब नांदेड़ हजूर साहब महाराष्ट्र, इनको ये भी बहुत कुछ सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, इनकी सेवा भी सराहनीय है। वहाँ पे उन्होंने सारा नांदेड़ को भी किया हुआ है, प्लांटेशन में वो का काम करते हैं, बहुत ज़्यादा नांदेड़ को भी किया है और उनको वहाँ पे भी मैन भी कहते हैं, तो उनकी काफ़ी सेवा है। और इतने सारे गुरुद्वारों का निर्माण किया है, साथ साथ में विदर्भ में माता भागवत जी और सारंग सिंह जी का गुरुद्वारा है, और जो मेन गुरुद्वारा है उसका सारा जो रिकन्स्ट्रक्शन हुआ है उन्हीं के हाथों में हुआ है, तो सरदार बाबा संत बाबा बलविंदर सिंह जी वो भी उन्हीं को अवार्ड दिया जा रहा है। साथ में डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी, ये ऑनरेबल चांसलर काजा बंदे नवाज यूनिवर्सिटी कलबुर्गी, इनको भी अवार्ड दिया जा रहा है। साथ में प्रोफेसर NR शेट्टी, ये ऑनरेबल चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका गुलबर्गा, ये भी एक अवार्डी है, इनका भी काफ़ी योगदान है एजुकेशन फील्ड में। और श्री विमला गणेश गुप्ता, ये MLA हैं, ट्वाइस MLA हैं, रह चुके हैं, ये निज़ामाबाद अर्बन तेलंगाना स्टेट, और ये हमारी खुशनसीबी भी है, ये भी हमारे JADC के एलुमनस हैं, तो उन्होंने भी इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट किया है। और पद्मश्री श्री मंजम्मा जुगाती, ये प्रेसिडेंट ऑफ कर्नाटका जनपथा अकेडमी वहाँ के हैं, और इन्हों को भी हम ये NGO चलाते हैं और सोसाइटी के लिए इनका काफ़ी योगदान है, तो ये भी एक अवार्डी है। साथ में सरदार चिरंजीत सिंह, ये फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू UNESCO और फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी ऑफ कर्नाटका रह चुके हैं, तो इनको भी हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रहे हैं, इनका बहुत योगदान है सोसाइटी के लिए। और पद्मश्री श्री डॉक्टर दीपा मलिक, तो ये अभी प्रेसिडेंट पैरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, और ये भी एक NGO चला रहे हैं, और इनका भी सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा योगदान है। और पद्मश्री श्री S विक्रमजीत सिंह सहानी, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा, और ये भी एक स्किल डेवलपमेंट का NGO चलाते हैं दिल्ली और आसपास में, तो इनका भी बहुत ज़्यादा योगदान है सोसाइटी के लिए। साथ में पद्मश्री सरदार जितेंद्र सिंह शंटी, ये एक्स MLA रह चुके हैं और ये फाउंडर है शहीद भगत सिंह सेवा दल दिल्ली में, तो आप जैसा आप जानते होंगे कि COVID-19 में जितने भी कोविड के अनक्लेम बॉडीज थे तो उनका सारा इन्होंने क्रिमेशन उन्हीं के हाथों में हुआ था, तो ये वो फाउंडेशन लीड करते हैं, तो करते करते इनको भी कोविड हो चुका था पर ऊपर वाले की मेहरबानी से ही ये सही सलामत उससे निकल गए, और अभी भी उनका ये काम चलता जा रहा है, तो बहुत बड़ा योगदान है सोसाइटी के लिए, तो ये भी एक हमारे अवार्डी है। साथ में डॉक्टर समर्था राघवा नागभूषणा,
ये फाउंडर है कुबेरा टेक्नोलॉजीज बैंगलोर के, ये अपना कंपनी चलाते हैं और ये भी अपना सोसाइटी के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। और डॉक्टर अलविन डी सरसोबो के, ये चेयरमैन नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम के चेयरमैन हैं और एजुकेशनल फील्ड में इनका बहुत बड़ा योगदान है, तो सर को भी अवार्ड दिया जा रहा है। और रेवरेंड डॉक्टर रॉबर्ट माइकल मिरांडा, ये बिशप रोमन कैथोलिक कलबुर्गी, ये बिशप हैं और सर का भी बहुत ज़्यादा योगदान है सोसाइटी के लिए, तो ये भी हमारे वहाँ की अवार्डेंस हैं। साथ में श्री मजीद बिलाल, तो ये हैं प्रेसिडेंट ऑफ ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन बिडर, जैसा आप जानते हैं ये भी यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जितने भी अनक्लेम बॉडीज हैं सबका दाह संस्कार ये करते हैं विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ कास्ट भी, तो किसी भी कास्ट का जो भी रहा अनक्लेम बॉडी ये इसका संस्कार करते हैं, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनका भी काम रिकग्नाइज किया जा रहा है और ये भी वन ऑफ दी अवॉर्डीज हैं। तो ये सारे अवॉर्डीज हमारे आ रहे हैं 25 को, और हमारे फंक्शन के चीफ गेस्ट हैं गवर्नर साहब कर्नाटका गवर्नमेंट हमारे कर्नाटका स्टेट के, तो ये अभी पहुंच रहे हैं कल, तो हमारी खुशनसीबी है कि गवर्नर जी हमारे गेस्ट चीफ गेस्ट हैं फंक्शन के और हमारी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं हम पहुंच के, तो मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ आप सब आइए और हमारे प्रोग्राम में आपका भी हिस्सा लें। और साथ में भगवंत खूबा जी, वो भी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, तो वो भी हमारे प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और उनका भी प्रेजेंस रहेगा और हमारे प्रोग्राम की शान बढ़ाएंगे। साथ में वाइस चांसलर कोलकाता यूनिवर्सिटी दयानंद असगर जी, वो भी आ रहे हैं, उनका भी ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गेस्ट ऑफ ऑनर्स। सो हमारा हर गैलेक्सी ऑफ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज ऑन 26 और ये सब हमारे प्रोग्राम की शान बढ़ाएंगे और हमारे जितने अवॉर्डीज हैं उनको अवार्ड प्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा अवार्ड सेरेमनी गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज में सरदार जोगा सिंह जी मेमोरियल स्टेडियम जो है वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, तो उम्मीद है ये प्रोग्राम हमारे बच्चों को इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा। जो सरदार जोगा सिंह जी पंचरत्न शिरोमणि सरदार जोगा सिंह जी ने जो हमारे लिए एग्जाम्पल सेट किया है उसको फॉलो करने में ये फंक्शन इंस्पायर करेगा और जितनी अवॉर्डीज हम बुला रहे हैं उनको देख के उनका जीवन पढ़ के उनको देख के लिए एक इंस्पिरेशन रहेगा हम सबको और हमारे स्टूडेंट्स को कि कैसे अपना जीवन बिताए। थैंक यू।